आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। इफ इट्स वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इज 411,540, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 ईयर्स अगो? ए 450,000, बी 460,000, सी 475,000, डी एंड 480,000। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू हर साल 5% की रेट से डिक्रीज हो रही है। अभी उसकी वैल्यू क्या है? 411,540। हमें बताना है कि 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी। यही करते हैं फॉर्मूला अप्रोच। पहले हम फॉर्मूला से करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वेज भी देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अभी की क्या वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू जो 3 साल पहले थी, इंटू 1 माइनस रेट अपॉन 100 टू द पावर ऑफ एन। रेट क्या है? कितने रेट से डिक्रीज हो रही वैल्यू, और माइनस का साइन क्यों? क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अदरवाइज अगर इंक्रीज होती है हर साल तो हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज करते हैं, अदरवाइज अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही तो माइनस। ठीक है, टू द पावर एन क्या है? टाइम पीरियड, कितने साल की वैल्यू है। ठीक है, कितने साल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आइए इसको करते हैं, सिंपली वैल्यू को डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 411,540 इज कल टू इनिशियल वैल्यू, 1 माइनस रेट क्या है हमारा, 5% दिया है, डिक्रीज हो रहा 5% रेट से, टू द पावर होल क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रैकेट में 100 माइनस 5, 95/100 का होल क्यूब, इनिशियल वैल्यू एक तरफ, न्यूमेरिकल एक तरफ। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 480,000। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो आपका आंसर 40 टाइम्स में जाएगा ये। तो ये 480,000 इसकी 3 साल पहले वैल्यू थी, जो घट के अभी 411,540 है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया सिंपली आपको वैल्यूज रख के, बाकी दूसरे अप्रोचेस भी देख लेते हैं कि कैसे और कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को आंसर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड्स से यूज़ करेंगे हम। इनिशियल वैल्यू में मान रहा हूँ एक्स, ठीक है, जो कि 5% पहले ईयर में घटी, फिर सेकंड ईयर में भी 5%, और थर्ड ईयर में भी 5% घटी, और लास्ट में जाके ये वैल्यू कितनी होगी एक्स से 411,540। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड यूज करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? अगर -5% डिक्रीज हो रही है, अगर कोई वैल्यू किसी आइटम की वैल्यू अगर 5% डिक्रीज हो रही है तो कितने टाइम्स हो जाती है? 1 माइनस x अपॉन 100। x क्या होता है? रेट परसेंटेज, है ना, तो x इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 100। ठीक है, x हम यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि हमें इसको 3 साल के लिए कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मल्टीप्लायर इससे निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस 5 अपॉन 100 0.95। ठीक है, इसको 100 माइनस 5, 95/100 होगा, इक्वल टू 0.95। तो यहाँ पे x हमारी इनिशियल वैल्यू है, पहले साल में घटी 0.95, मतलब 5% डिक्रीज हुआ है, फिर 0.95 मीन्स फिर 5% डिक्रीज हुई है सेकेंड ईयर में, फिर 0.95 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो 0.95 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इनिशियल वैल्यू से, और जाके क्या हो रहा है, इज इक्वल टू हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है 411,540। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 411,540 अपॉन 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95 इज इक्वल टू 480,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आ गया। एक तो ये मेथड हो गया आप, ठीक है, आपको ये मल्टीप्लायर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर 5% डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 0.95 टाइम्स हो रही कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तो आप देखते ही बताएंगे कितने टाइम्स हो रही है। 5% डिक्रीज हो रहा है तो 0.95 टाइम्स, 10% डिक्रीज है तो 0.90 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी। फ्रैक्शन मेथड भी देखेंगे हम। तो 5% डिक्रीज हो रही है तो 5% को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5/100, 100 से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो इसको लू 1/20। ठीक है, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, -1/20, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ 2 कॉलम बनाए मैंने, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इनिशियल क्या है? कॉलम डिनोट करेगा हमारी पहले की वैल्यू जो प्रॉपर्टी की 3 साल पहले थी, और फाइनल जो घट के वैल्यू हो गई है। तो ये 20 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, भाग के नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? इनिशियल वैल्यू हम लेते हैं, और फाइनल वैल्यू क्या हम लेते हैं? 20 माइनस 1। ठीक है, 20 से
वन को घटाएंगे क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है फ्रैक्शन में, तो 20 से वन को घटाया तो 19। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 का अगर आप 5% डिक्रीज करेंगे तो 20 का 5% होता है 1, जो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 20-1 19। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सोचना है कि इसलिए 20 में से सीधा 1 घटाएंगे तो आपका वही है 20 का 5% 1 ही होता है 19। तो ये कितनी बार बोल रहा है हमें, तीन बार घट रही है 3 साल में, तो हम 3 बार इनिशियल वैल्यू को लिखेंगे 20, फाइनल वैल्यू को 19, इनिशियल वैल्यू 20 19। ठीक है, 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज है इसलिए सेम वैल्यू हम लिख रहे हैं 20 20 20। यहाँ पे फाइनल वैल्यू 19 19 19। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 19 19 20 20 20, तो आपका आ जाएगा आंसर 8000 इनिशियल वैल्यू आ जाएगी हमारी, मतलब इनिशियल 3 साल पहले इतनी वैल्यू थी और फाइनल इतनी, लेकिन हमें यहाँ पे दे रहा है 411,540 हमारी वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है। तो हम देखेंगे कितने टाइम्स में हम इस वैल्यू पे पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, कितना 6859 में मल्टीप्लाई करेंगे कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी आएगी, क्योंकि हमारी प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही है जो कि सही नहीं आई है। अगर ये आ जाती 411,540 फाइनल वैल्यू आ जाती हमारी प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारे ये वाला आंसर भी सही होता, लेकिन ये कम आई है। तो हमें देखना है कि कितने प्रोपोर्शन में ये जा रहा है। ठीक है, कितने मल्टीप्लीकेशन में, तो अब देखेंगे ये 6 टाइम्स में इस वैल्यू तक पहुंचेगा। तो 6 टाइम्स आप इस करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगी 411,540। ठीक है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू को जब 60 टाइम्स इतना कर रहे हैं, तो हम इनिशियल वैल्यू को भी हमें 60 टाइम्स करना है। तो 60 टाइम्स करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 480,000। ठीक है, ऑप्शन डी। तो आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।